आज हम लोग बिहार में पढ़ेंगे सल्तनत काल में बिहार, जो कि मध्यकालीन बिहार का हिस्सा है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, माइक बंद कर लीजिए मनीष जी, आवाज़ बहुत आ रही है। 12वीं शताब्दी के अंत में 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हिसामुद्दीन, ठीक है, पूरा नाम क्या था, मलिक हुशामुद्दीन के सहायक का नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक कौन था, इब्ने बख्तियार खिलजी ने क्रमनासा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया। बख्तियार खिलजी का अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासन इंद्र प्रद्युम्न पाल था। ये नाम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय बिहार पे, ठीक है, जिस समय बिहार पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उस समय बिहार में पाल वंश का शासक का नाम क्या था, इंद्र प्रद्युम्न पाल। ठीक है, इंद्रधुमन अगर पूछेगा बंगाल में सेन वंश का शासन कौन था, लक्ष्मण ठीक है, सेन, लक्ष्मण सेन। ठीक है, दोनों का नाम याद भी लक्ष्मण रखिएगा। ठीक है, लक्ष्मण सेन और प्रद्युम्न पाल। ठीक है, बिहार में तुर्क सेन। अब सत्ता नरसिंह का, वर्मन किससे था सर? वो भी तो बख्तियार खिलजी के समय ही था ना? नरसिंह वर्मन नहीं था, नरसिंह नहीं सिंह नहीं था, वो वो मिथिला के हर्षवर्धन के कर्नाट समय वंश था। का अच्छा था, हाँ, हरि सिंह था। ठीक है, हरि सिंह था। ठीक नहीं है, नहीं हरि नरसिंह नहीं सिंह था। था, नरसिंह नहीं था। हाँ, अच्छा यहाँ पे इतना बिहार में बर्मन डायनेस्टी कहाँ से आ जाएगा, नहीं है बर्मन डायनेस्टी नॉलेज। साउथ में पड़ता है। बात कर बिहार तो में तुर्क नरसिंह देव सत्ता, होंगे। ठीक है, ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी, जो कि आधुनिक बिहार शरीफ पे थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण विजय की बात करेंगे तो उदंतपुरी बिहार विजय का श्रेय किसे जाता है, बख्तियार खिलजी को जाता है। और बख्तियार ये जो थी खिलजी, उदंतपुरी, उदंतपुरी जो कि आधुनिक बिहार शरीफ पे जो विजय जो किया थी, विजय कब किया था उसने, 1198 में किया था। कब किया था, 1198 में किया था। ठीक है, ग्यारह बख्तियार खिलजी की बात करेंगे, बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, तो सबसे पहले नंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और साथ में बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, और बख्तियार खिलजी ने इसके संदर्भ में क्या बोला, से उसको लगा से नंदा विश्वविद्यालय जो है इसे किला है, क्या है, किला है, इसलिए उसने किला को नष्ट किया। लेकिन क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो उदंतपुरी जो कि आधुनिक बिहार शरीफ था, उस पर अधिकार 1198 में किया। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और साथ में कौन सा शहर बनाया, बख्तियारपुर। बख्तियार खिलजी ने 1203-4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। जिस समय नदिया पे, जिस समय इसने बंगाल पे चढ़ाई किया, वहां पे किस वंश का शासन था, लक्ष्मण सेन का शासन था। और वहां का शासक कौन लक्ष्मण था, धर्म वहां का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। और लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी, कहाँ थी, तो ध्यान रखें उसकी राजधानी नदिया थी। कहाँ थी उसकी राजधानी, तो उसकी राजधानी नदिया थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी नदिया को हटाकर क्या बना दिया, लखनौती बना दिया। क्या बना दिया, मतलब सेन वंश की राजधानी लखनौती नदिया हुआ करती थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने राजधानी क्या बनाया, लखनौती। ठीक है, लखनौती। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी ने एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया। ठीक है, तो अली मर्दान ने हत्या की, किसकी हत्या की, बिहार शरीफ के, सॉरी, अली मर्दान ने किसकी हत्या की, तो बख्तियार खिलजी की हत्या की। बख्तियार किसकी हत्या की, खिलजी, तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो थी अली बख्तियार मर्दान ने की। ठीक है, और उसका शव कहाँ पे दफना दिया, तो बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला खिलजी जो देखेंगे तो वहां पे आपको शव इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार शरीफ के कौन सा मोहल्ला, ठीक है, बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला। ठीक है, बख्तियार खिलजी को किस नाम से जानते थे, गाजी इख्तियार के नाम से जानते, किस नाम से जानते थे, तो गाजी इख्तियार के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, मैं एक बार सबको रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा। ठीक है, सल्तनत काल में अगर आप बिहार को देखेंगे तो सबसे पहले 12वीं और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुशामुद्दीन के सहाय से इब्ने बख्तियार खिलजी ने कर्मनासा नदी के पूर्वी पे सफल अभियान किया। ठीक है, जिस समय बख्तियार खिलजी का बिहार पे आक्रमण हुआ, उस समय सेन वंश का शासन कौन था, लक्ष्मण सेन था। और बात करेंगे पाल वंश के शासन की, बात करेंगे प्रद्युम्न पाल था। ठीक है, तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बिहार में किसे जाता है, बख्तियार खिलजी को जाता है। तुर्कों के सबसे महत्वपूर्ण विजय की बात करें, बख्तियार खिलजी के औरंतपुरी जो कि आधुनिक बिहार शरीफ पे वो विजय था। इसने कब इसे विजय प्राप्त किया, तो 1198 में विजय प्राप्त किया। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसके जगह पे कौन सा शहर बनाया था, बख्तियारपुर शहर जो था उसके जगह पे बनाया। ठीक है, ध्यान में रखना है, बख्तियार खिलजी की बात करेंगे, नदिया के ऊपर चढ़ाई करता है, नदिया को जीत लेता है 1203-4 में। नदिया की बात करेंगे, उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी हुआ करती थी। नदिया को जीतने के बाद, सेन वंश के सत्ता पर अधिकार करने के बाद, बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी किसे बना, लखनौती को बनाता है। ठीक है,
बीमार पड़ता है क्योंकि उम्र हो गई थी। उसके बाद अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दिया और उसके सब को मतलब क्या किया, बिहार शरीफ के इमादतपुर मोहल्ला में दफना दिया। ठीक है, अली मर्दान को कुतुबुद्दीन ऐबक का समर्थन प्राप्त था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हत्या करने के बाद सीधे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास वो भाग गया था। बख्तियार खिलजी की बात करेंगे तो गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। किस उपनाम से जानते थे? तो गाजी इख्तियार के उपनाम से भी जानते थे। ये जो सारी प्रक्रिया जो थी बिहार में सल्तनत काल में बिहार की क्या स्थिति रही है उसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। तो मोहम्मद गोरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी के बारे में आप लोग जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में अख्ता प्रदान किया। ठीक है, इक्ता कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें क्या, 1191 में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना इक्ता प्रदान किया। ठीक है, इल्तुतमिश के पुत्र की बात करेंगे, नसुद्दीन महमूद। क्या नाम था इल्तुतमिश के पुत्र का नाम? नसुद्दीन महमूद ने अवध बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अवध को, बिहार को और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित करने का काम किसने किया? तो नसुद्दीन महमूद ने किया, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, जो कि बिहार का या फिर बोल सकते हैं सभी जगह का शासक कह लीजिए या फिर प्राणपति की कह लीजिए। कब से कब तक था? तो ध्यान रखें 1227 से लेकर 1229 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक तरह से इसका एकीकरण किसने किया? अवध को, बिहार को, लखनौती, और अवध बिहार और बंगाल समझ लीजिए, तीनों को एक तरह से एक में किसने मिला दिया? नसुद्दीन नसुद्दीन महमूद ने। महमूद। किसने? नसुद्दीन महमूद ने। ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान की बात करेंगे तो इल्तुतमिश था। ठीक है, तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो क्या बताएंगे? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक जानी बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध सूबेदार थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने मलिक मलिक जानी को। जानी ठीक है, इल्तुतमिश का मलिक पुत्र का जानी नाम को किसने था, जो कि ध्यान रखें, जो कि बिहार का मतलब एकीकरण कर दिया, सॉरी इन प्रांतों का एकीकरण किया। नसुद्दीन क्या नाम था? नसुद्दीन महमूद। महमूद क्या नाम है? नसुद्दीन महमूद। ठीक है, इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, जो बाद में तुगान खान किया था, बाद में तुगान खान बिहार का राज्यपाल बना। ठीक है, तो इल्तुतमिश के समय सूबेदार मलिक जानी भी था, सैफुद्दीन ऐबक भी था, तुगान खान भी था, तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बलबन के शासन काल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। ठीक है, बलबन के शासन की बात करेंगे तो उसके समय में गया का क्षेत्र जो था किसके अधीन था? दिल्ली के अधीन था। ठीक है, जिसका वर्णन गया के राजा बनराज की गया प्रशस्ति से मिलती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे गया प्रशस्ति की बात करेंगे तो गया प्रशस्ति का संबंध किससे है? किससे है? गया के बनराज राजा बनराज से है। ठीक है, ध्यान, किससे है? तो गया के राजा बनराज से संबंध है गया प्रशस्ति का। ठीक है, गया प्रशस्ति में वर्णन देखने को मिलता है, सर गया का क्षेत्र जो था दिल्ली के अधीन था। किसके अधीन था? गया का क्षेत्र किसके अधीन दिल्ली था? दिल्ली के अधीन था, जो कि आपको गया के प्रशस्ति से आपको ये जानकारी मिलती है। ठीक है, लखनौती के शासक तुगरिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, लखनौती के शासक तुगरिल खान ने, ठीक है, क्या क्या बलबन की अधीनता मतलब क्या की? स्वीकार ली। ठीक है, तुगरिल खान, समझ आए कौन था? तुगरिल खान। ठीक है, तुगान के नाम से भी जाना, तुगरिल खान जो था बलबन के अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु 1279 ईस्वी में फिर से मतलब क्या किया उसने? विद्रोह कर दिया। समझ गए? तो ये जो था गुलाम बंग से कुछ रिलेटेड थी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन गौरी ने, सॉरी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में इक्ता प्रदान किया। इल्तुतमिश का पुत्र का नाम था नसुद्दीन महमूद, उसने क्या किया? अवध बिहार तथा लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया, जो कि 1227 से लेकर 1229 तक था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान की नाम बात बात करें इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार की बात करेंगे मलिक जानी को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को नियुक्त किया। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को। उसके बाद सैफुद्दीन ऐबक बनता है, उसके बाद तुगान खान बनता है, सबके सब बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे, फिर सूबेदार कह लीजिए। बलबन के शासन काल में गया का क्षेत्र जो था दिल्ली के अधीन था, इसकी जानकारी किससे मिलती हो? तो गया प्रशस्ति से मिलती है। गया प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो वनराज है। कौन है? वनराज, सॉरी बनराज राजा, वो लेखक नहीं है, राजा थे, अच्छा इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रशस्ति जहाँ पे भी होगा, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र होता है, मतलब डेट मीन्स, ठीक है, बनराज की प्रशंसा जो है गया प्रशस्ति में की गई है। ठीक है, लखनौती के शासक तुगरिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन 79 ईस्वी में फिर से मतलब क्या करता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, अब आते खिलजी वंश के दौरान बिहार की क्या स्थिति थी, इनके बारे में जरा देखेंगे। तो 1290 में जलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 1290 में जलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का सुल्तान बना, जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर भी था और चाचा भी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ 1297 में। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शुक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। नाम कई बार पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा भी हुआ, इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो 1297 में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, लेकिन राजा शुक्र सिंह की सेना से शेख मोहम्मद इस्माइल की सेना क्या होती है, पराजित हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम बताया जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, उसका नाम क्या था, जफर खान था, काफी काबिल सेनापति था। क्या नाम था उसका, जफर खान, क्या नाम था, जफर जफर खान, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालसा भूमि क्या थी, तो खालसा भूमि जो थी सरकारी भूमि थी जो कि डायरेक्ट राज्य के अधीन थी। मतलब खालसा भूमि वैसे भूमि को कहते थे जिनसे जो राजस्व प्राप्त होता है वो डायरेक्ट मतलब किसके हिस्से में जाता था, राज्य के हिस्सा में जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासन बना तो उसने मतलब जो मौलानाओं को जो जमीन दी जाती थी, मस्जिद को दिए जलवा जमीन था, धार्मिक जमीन, तो सारे जमीनों को मतलब क्या किया, राज्य के अधीन मिला लिया, ठीक है। क्योंकि उसको क्या थी, अधिक मतलब क्या चाहिए था, राजस्व की प्राप्ति चाहिए था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी एक सेना भी थी। इसीलिए जितने भी सरकारी भूमि जो इधर उधर जो सरकारी अधिकारी को दिया गया, धार्मिक तौर पर लोगों को दिया गया था, सबका उसने वापसी कराकर सबको खालसा भूमि में तब्दील कर दिया, जो कि खालसा भूमि डायरेक्ट मतलब जो थी राज्य के अधीन होती थी, ठीक है। जवाबित की बात करेंगे, जवाबित का संबंध जो है जो कि राज्य के कानून से जवाबित का संबंध होता है, स्टेट लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। आई थिंक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अलाउद्दीन के समय में दक्षिण विजय किया गया, ठीक है। हालांकि दक्षिण विजय सबसे पहले अगर खिलजी डायनेस्टी में देखेंगे तो जलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं, जलाउद्दीन खिलजी के समय भी हाँ दक्षिण ठीक है, विजय तो हुई थी, जिसका अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ने नेतृत्व किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय व्यापक स्तर पर दक्षिण भारत का विजय होता है, जो कि मतलब उसका नेतृत्व कौन करता है, मलिक कपूर करता है, कौन करता है, मलिक कपूर उसका नेतृत्व करता है, ठीक है। खिलजी वंश के समय में बिहार में गंगा नदी के दक्षिण मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व हुआ, ठीक है। तो खिलजी वंश के समय में बिहार में गंगा नदी के दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, लेकिन तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत पर मुख्य रूप से, ठीक है, उनका मतलब क्या, निर्णायक वर्चस्व जो था वो स्थापित होता है। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के जो है आपको शाहपुर से मिलते हैं। शाहपुर कहाँ पे पड़ता है, तो शाहपुर भोजपुर से आपको क्या होंगे, कुछ सिक्के मिलते हैं जो कि मतलब किसे, खिलजी वंश के से संबंधित है, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बताना है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति का नाम बताए जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, क्या नाम है उसका, जफर खान नाम क्या है, क्या नाम है, जफर खान, ठीक है। डॉगी का आवाज जहां से आ रहा माइक बंद करके रखिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे आप पति अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन के शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, जो कि किस शासक से पराजित हुई थी, किस शासक से पराजित हुई थी, शुक्र सिंह से क्या हो गई शुक्र थी, सिंह। पराजित हो गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे तुगलक वंश। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा है तो एक ही प्रश्न, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, कितना बार ही पूछा है एग्जाम में, 3 4 बार बीटीसी पूछ चुकी है, कहाँ पे थी, बिहार शरीफ थी, ठीक है। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी की बात करेंगे, कहाँ पे थी, बिहार शरीफ थी। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, बिल्कुल तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, जिसको बोला गया था दिल्ली दूरस्थ अस्थी, इसी को बोला गया था ना, ठीक है। इसका विवाद किस संत के साथ था, गयासुद्दीन तुगलक का, निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद था, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे गैस, था ना सर, दिल्ली दूरस्थ अस्थी, निजामुद्दीन औलिया बोला था कि एक दरवाजा से आएगा तो दूसरा दरवाजा से हम निकल जाएंगे। राष्ट्रपति गयासुद्दीन तुगलक को बोला गया था, और अलाउद्दीन खिलजी को बोला था अगर सुल्तान इस दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल हाँ जाऊंगा, ठीक है। दोनों अलग अलग लौट स्टेटमेंट है, ठीक है। जब बंगाल विजय करके जब लौट रहा था ना तुगलक, ये रहा है बंगाल विजय करके जब लौट उसी रहा वक्त था ना, बोले। तो उसने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली खाली करने के लिए बोला, दिल्ली खाली को, ये दोनों के बीच में विवाद का कारण क्या था, निजामुद्दीन औलिया जो था ना एक वो बना रहा था, क्या बोलते उसको, सूफी संत का लकड़ी का जो बात नहीं होता है, नहीं दरबार सूफी संत जो था ना मकबरा वगैरह कुछ बनवा रहा था, तो इसको रोकवा दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने, रोकवा दिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हो गया। तो उसके बाद जब बंगाल विजय करके जो लौट रहा था तो उसने बोला था मेरे आने से पहले दिल्ली को मतलब क्या करे, खाली कर दे, ठीक है। तो इसी बात को लेकर उसने कहा था पहले दिल्ली पहुंच तो जाओ, वाकई में क्या होता है, दिल्ली के सीमा में प्रवेश नहीं कर पाता है और दिल्ली के सीमा से पहले ही मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मतलब कहाँ पे, मतलब एक जौना खान के द्वारा लकड़ी का एक मतलब जो महल टाइप का बनाया जाता है उसी में दबने के। जौना खान, जौना खान किसको कहते थे, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक था, उसका बेटा उटा नहीं था, चचेरा भाई था, ठीक है। कौन था, चचेरा भाई था, ठीक है। रंभा कुमारी, माइक निकाल के स्पीकर पे फोन रख के यूज कीजिए, नहीं तो आप बंद रहिए क्लास में, ठीक है।
ध्यान में इसको रखिएगा, बहुत इको होता आपके तरफ से। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशी शासक हरि सिंह को पराजित किया और मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। अगर पूछा जाएगा ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समय मिथिला के अंतिम शासक कौन था जिसको पराजित किया गया था, पूछा जाएगा बिहार का शासक कौन था, कर्नाट वंशी शासक का नाम का हरि सिंह था। ठीक है, कौन था, हरि सिंह था, उसको पराजित किया। मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय किसमें कर दिया, दिल्ली सल्तनत में कर दिया। बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किसने किया, तो ध्यान रखें किसने किया, क्या बताएंगे, तो मोहम्मद तुगलक ने किया। ठीक अच्छा है, मोहम्मद तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र में ले गया था, तथा देवगिरी का नाम बदल के क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था, पता है कब किया था, 1326 में, उनतीस छब्बीस सत्ताईस, तेरह सौ छब्बीस सत्ताईस, छब्बीस में हाँ बिल्कुल ठीक है, तेरह सौ 26 छब्बीस में किया है। सत्ताईस ठीक है, ध्यान रखेंगे कब किया था, ध्यान रखेंगे, तो मोहम्मद ठीक तुगलक का राजधानी है, परिवर्तन की बात करेंगे, 1326 की 27, 27 है क्या, छब्बीस देख सत्ताईस लीजिएगा एक बार। दोनों बीच के मिड में दोनों किया ही थे। था, दिसंबर में किया था। हम बिल्कुल ठीक है, देखिए 26-27 लेता है इंसान, तो उसका नाम बदल के दौलताबाद रखा। ठीक है, पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले गया, इसी कारण से अंतर विरोधा का विस्मयकारी मिश्रण तथा सनकी अथवा पागल रक्त पिशाचों इस सब इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दौलताबाद ले गया, कुछ लोग कहते हैं ये काफी मतलब दूरदर्शी था, क्योंकि दौलताबाद ले जाने के राजधानी, क्योंकि दिल्ली पे बार बार आक्रमण होते रहता, क्योंकि दिल्ली पूरा ओपन था। अगर दिल्ली पूरा ओपन था, आप जाओगे अफगानिस्तान से कोई आक्रमणकारी आएगा, मिडिल ईस्ट उधर से आता है, क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो हरियाणा को पार करने का और पूरा सपाट मैदान मिलता है। ठीक है, अगर उसको रोकने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के पास एक किला था, याद नहीं आ रहा उस किला का नाम, बड़ा इंपोर्टेंट नाम है, उस किला में मुगलों का अधिकार था, उस किला के द्वारा अगर उसको रोक लिया गया वहां पर सैनिकों के द्वारा आक्रमणकारी को, तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बीच में पूरा मतलब खुला मैदान में डायरेक्ट दिल्ली पे हमला होता था। ठीक है, इसलिए आप देखोगे पानीपत का मैदान जो था हमेशा से खुला रहा, ओपन है, दिल्ली का सीमा लगता है वहीं पे, हमेशा से लड़ाई होती रही है। ठीक है, तो इसने मतलब अपने राजधानी को ले गया कहाँ पे, दौलताबाद ले गया, ताकि उसका दूरदर्शी सोच डालता थी से, ताकि अपने राजधानी को सशक्त बना सके, लेकिन उसने वहां के सही से सर्वे वगैरह नहीं करवाया, वहां पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से राजधानी वहां पे टिक नहीं पाया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद इनको राजधानी को फिर से मतलब दौलताबाद से मतलब क्या करना पड़ा, कहाँ पे शिफ्ट देवगिरी करना पड़ा। ठीक है, दूसरी बात, इवन बबूता जो लिखता है, इवन बबूता लिखता है, इवन बबूता क्या लिखता है, मतलब दिल्ली के जो अमीर वगैरह जो थे, जो इनसे बहुत अधिक कूटते थे और इसको बहुत सारे पत्र में गाली लिख के भेजा करते थे, इसके वजह से दिल्ली के अमीर को भी तंग करने की वजह से ने राजधानी को ही शिफ्ट कर लिया, मतलब काफी परेशान रहता था ये आदमी अपने आप में। ठीक है, मतलब वर्तमान समय का आप इसका तुलना आप केजरीवाल से कर सकते हैं। आगे देखें, मोहम्मद तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल कर क्या रख दिया, तुगलकपुर रख दिया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल के क्या रखा था, तुगलकपुर रखा था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में तिहरूर पे अधापत्ति करके फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की, उसका नाम क्या रखा, वैनवार वंश बिल्कुल ठीक है, क्या नाम रखा था, उसका नाम अहिनवार बैनवार या फिर अहिनवार वंश रखा। ठीक है, अहिनवार ध्यान रखेंगे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। क्या था, खैराती अस्पताल का नाम क्या था, क्या खैराती अस्पताल बोलते थे, दारा उल सफा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट, दारा उल सफा क्या था, ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए इसमें दिया हुआ, बिल्कुल ठीक है, एक ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसे रोजगार दफ्तर खोल के प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया था, मतलब रोजगारों के लिए नौकरी देने के, बेरोजगारों के लिए नौकरी देने के लिए इसने एक दफ्तर खुलवाया था, जिनके पास जिस प्रकार का स्किल था, जिस प्रकार की शक्ति थी, उसके अनुसार सबको नौकरी देने का काम किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के दरबार में कहते हैं सबसे अधिक दास थे, यहाँ तक कि कहा जाता है इनके दासों की संख्या 1,80,000 के आसपास थी। ठीक है, और दासों के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बना दिया, दीवाने बंदगान जो था दासों का देखभाल करते थे। ठीक है, दास को किस प्रकार के कार्य में लगाया जाता है, दासों से युद्ध वगैरह, कृषि वगैरह जैसे कार्य करवाए जाते थे, मतलब दासों की स्थिति ऐसा नहीं कि दास कहने का बहुत खराब स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति थी। दासों का विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में, ठीक है, दासों ने अपना गुट बनाकर विद्रोह भी कर दिया था। ठीक है, तो दीवाने बंदगा दास से संबंध था, दारुल शिफा की बात करेंगे इससे संबंधित अस्पताल था, एक था दीवाने खैरात बना था, दीवाने खैरात किस प्रकार की काम करती थी, तो दीवाने खैरात का ध्यान रखिएगा, दीवाने खैरात की, बिल्कुल ठीक है, दीवाने खैरात का काम जो था सो किस प्रकार की काम थी, विधवा विवाह वगैरह कराने के काम जो थी दीवाने खैरात करती थी, खासकर मुस्लिम बच्चों के।
बिहार शरीफ धर्म का प्रमुख केंद्र है। उदंतपुरी का महाविहार यहीं पे अवस्थित है, ठीक है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित है, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा, जो बाद में बिहार हो गया, ठीक है। तो बिहार जो था, ध्यान रखेंगे, तुर्कों के दिया हुआ ही नाम है, जो कि बाद में बिहार, बिहार से क्या बन गया, तो बिहार बन गया, ठीक है। इस समय प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिन्हाज सिराज की रचना तबकात नासिरी में मिलती है, ठीक है। तो तबकात नासिरी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में, किसकी रचना है तबकात नासिरी, तो क्या बताएंगे, सिराज मिन्हाज सिराज की रचना है तबकात नासिरी, ठीक है। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक ने कई अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों का अभिलेखों से फिरोज द्वारा उन्हें दान देने का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। राजगीर में कुछ जैन मंदिर को दान देने का उल्लेख, ठीक है, ध्यान में मिलता है। ये मतलब किससे संबंधित है, फिरोज शाह से संबंधित है, ठीक है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहिया मनेरी, सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहिया मनेरी के मलफूजात, मलफूजात की बात, उक्तियों का संकलन और माना किबुल अफशिया जैसी रचनाओं में बिहार तुगलक शासन का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, मलफूजात में, ठीक है। किसकी रचना मलफूजात, तो यहिया मनेरी की रचना है, उसमें आपको मिल जाएगा। और साथ में मानकीबुल की बात करेंगे, मानकीबुल, मानकीबुल अस्फिया जैसी रचनाओं में बिहार में तुगलक शासन का इतिहास आपको जानना मिल सकता है, ठीक है। सीरीते फिरोजशाही की बात करेंगे, सीरीते फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोशा से भेंट करने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीरीते फिरोजशाही का संबंध किससे है, फिरोज शाह तुगलक से है, जहां पर बिहार के मतलब प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोशा से, क्या नाम है, शेख अहमद चिरिमपोषा, क्या नाम है, शेख अहमद चिरिमपोषा से क्या मिलता है, हाँ बिल्कुल, शेख अहमद चिरिमपोषा से उनका भेंट करने की चर्चा मिलती है। अगर तुगलक काल में अगर पूछा जाए बिहार की राजधानी क्या थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी की बात करें क्या थी, बिल्कुल क्या थी, बिहार शरीफ थी, बिहार ठीक है, शरीफ। ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं इसको क्या रिपीट करूं, ठीक है, बताइए, जिस समय गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पे आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था वहां पे, हरी सिंह हरि सिंह था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दरभंगा का नाम बदलकर मोहम्मद तुगलक ने क्या रख दिया था, तुगलकपुर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तुगलकपुर नाम रखा था, ध्यान रखें, बनवार वंश में अहिंदवार वंश, इसकी स्थापना किसने किया था, तिरहुत पे अधिकार करके, फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफा क्या था, दारुल सफा हैराती अस्पताल। बिल्कुल, ठीक है। दीवाने बंदगान का पता संबंध किससे है, दीवाने बंदगान का संबंध दास विभाग, दास दास विभाग है, में ठीक दास है, ध्यान रखें। किसके समय दासों की संख्या सबसे अधिक थी, एफएसटी 1,80,000। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, दासों की संख्या सर्वाधिक की बात करूंगा, तो एफएसटी के समय में दासों की संख्या जो थी सर्वाधिक थी, 1,80,000 के आसपास दासों की संख्या थी। और फिरोज शाह तुगलक के समय ही मतलब क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय में मतलब क्या होता है, दासों का विद्रोह भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दीर्घकालीन समय तक आप बंद रहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सूरी में, आपको ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें क्या करते हैं, लोदी कर लेते हैं, लोदी के बाद सूरी है, और सूरी के बाद आपको मुगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर सूरी में फिर से मुगल के अंदर ही आपको शेर शाह सूरी भी आपको देखने को मिल जाएगा। लोदी बहुत इजी है, करता हूँ, ठीक है। अफगान शासक था बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, क्या बोलते हैं, कौन था लोदी वंश का संस्थापक, कौन था, अफगान, ठीक है, बहलोल लोदी था, ठीक है। सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जनपुर के शासन हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने कि ने बिहार अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि 1495-96 जनपुर के शासक का नाम क्या, हुसैन शाह सरकी, क्या नाम था इसका, हुसैन शाह सरकी था, उसने दरिया दुरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, ठीक है। मतलब किसने नियुक्त किया, दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक किसने नियुक्त किया, सिकंदर लोधी ने सिकंदर लोदी ने किया, ठीक है। लोदी शासकों के काल में बिहार नुहानी अफगानों की स्थिति की बात करेंगे, सुदृढ़ थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई होती 1526 के बाद, बहार खान नुहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी का नाम धारण करके बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापित की, क्योंकि सिकंदर लोदी क्या, लोदी का यहाँ पे रूल था, तो लोदी चला गया पानीपत के प्रथम लड़ाई में, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के तौर पर घोषणा कर दी, किसने किया, मोहम्मद शाह नुहानी ने, बाहर खान। इस, हाँ ठीक है, इसमें उसका स्थान नुहानी और फार्मूली कबीरों के प्रमुख सरदारों ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलेंगे, सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद ने, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी, सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। तो सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था, कनकपुरा कनकपुरा के युद्ध में, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद की बात करेंगे, मृत्यु 1528 में हो गई, और उसका अल्प वयस्क पुत्र, ठीक है,
क्या नाम था, जलाल नहीं, खान शासक नियुक्त है, हाँ जो कि फरीद खान और शेर खान उसका संरक्षक नियुक्त किया। जलाल खान बच्चा था, ध्यान में रखेंगे तो उसका संरक्षक किसे बना, शेर खान को। शेर खान बंगाल का शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये नाम जो है, ठीक है, क्या नाम है, मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, ध्यान में रखिएगा, इसी का नाम मोहम्मद है, सुल्तान मोहम्मद इसी को बोल रहे हैं। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। उसका पुत्र का नाम क्या है, बहार नुहानी खान। उसका पुत्र का नाम क्या है, जलाल खान। क्या नाम है, सॉरी, हाँ, जहाँ जलाल खान नुहानी कह सकते हैं। और उसका मतलब संरक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो शेर शाह खान। सूरी को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया, ठीक है। और शेर खान ने बंगाल के शासक का नाम क्या था, जिसका बिहार आक्रमण को क्या कर दिया, विफल कर दिया। हालांकि आप देखोगे सो बाद में शेर शाह जो है सो नुसरत शाह को पराजित भी करता है। मध्यकालीन बिहार के कुछ अभिलेख देख लेते हैं, तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख है, बिहार शरीफ का पस्तर अभिलेख है, संग्राम गुप्त का पंचतामपत अभिलेख है, ध्यान में रखेगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक का अभिलेख याद रख लिया, कौन सा, बेनी बन अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी बन अभिलेख है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का कौन सा अभिलेख है, राजगीर अभिलेख है, जहाँ पे मतलब जैन मंदिर में कुछ दान देने की बात करता है, ठीक है, ध्यान में रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, खड़गपुर का राजा, खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ का शेरशाह का अभिलेख, ये भी है, भभुआ कैमूर का शेरशाह का अभिलेख, खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख है, ठीक है। सबको आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। आप चलते हैं आगे, देखेंगे और क्या प्रश्न है, तो कल की क्लास में देखेंगे, आज का प्रश्न नहीं देखेंगे। इसमें से इंपोर्टेंट क्या है, फिरोज शाह का राजगीर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी बन अभिलेख, पंचतामृत। भभुआ का, ठीक है, भभुआ का शेरशाह अभिलेख, ठीक है, यही 3 याद रखिए, यही 3 से पूछेगा, कुछ ना होगा, ठीक है। शेरशाह अभिलेख का संबंध किससे है, शेरशाह अभिलेख का भभुआ से, बेनीबन किससे है, बेनीबन, बेनीपन का मोहम्मद बिन तुगलक से, राजगीर अभिलेख का संबंध किससे है, तो फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे